झुंझुनू के गुढ़ा गौरजी थाना इलाके में चुनावी रंजिश के चलते झगड़े में घायल एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग पर अड़ गए और अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी मामला शांत हुआ। जानकारी के मुताबिक चुनाव में आपसी रंजिश के चलते पोंक के पूर्व सरपंच मूलचंद सैनी और विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा के समर्थक में वो समर्थक आपस में भिड़ गए और मूलचंद सैनी के भतीजे रतन सिंह को इसमें गंभीर चोट आई, जिसकी बीती रात मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजन गुड्डा गौरजी सीएचसी पहुंचे और कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। इस दौरान काफी समझाइश के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। आपको बता दें कि इस मामले में विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा के भाई सहित 16 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। इस घटनाक्रम के बारे में जो है आवाज़ जो हुआ ना, लड़के का मौत हुई है, इसके साथ मारपीट हुई थी 4 तारीख को गांव में और इसका इलाज भी चल रहा था और इलाज के दौरान ये ट्रीटमेंट झुंझुनू भर्ती में रहा 3-4 दिन। उसके बाद में ये गांव आ गया, ट्रीटमेंट ले रहा था, अचानक आज इसकी डेथ हो गई। तो मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और मुझे लगता है कि जो पुराने आई चोटों के कारण से जो भी इन्फेक्शन हुआ है अंदर, उसके कारण इसकी डेथ हुई हो। इसके अलावा भी वो तो मेडिकल बोर्ड से जो IR आएगी, इंजरी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में क्लियर होगा। प्रशासन से बात भी हो गई है, इंचार्ज साहब यहाँ मौजूद हैं और आगे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी